हम ये कहना चाहेंगे कि 6 साल से लगातार सरकार हम लोग को गुमराह कर रही है विज्ञापन के नाम पे सिर्फ और हम लोगों को छलावा मिलता है। तो आज हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके यहाँ पे आए हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। जितने साथी हैं प्रदेश के पूरे साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि धरने में आए और ये लगातार धरना चलता रहेगा जब तक सरकार जो है हम झुक कर नहीं जाती हमारे सामने। जब तक विज्ञापन 97,000 नहीं जाने देती तब तक हम कहना चाहेंगे कि धरना लगातार चलता रहेगा। सरकार का लगातार दबाव बन रहा है कि आदरणीय नवनियुक्त अध्यक्ष महोदया जी कह रहे हैं कि आकर के बंद कमरे में बात करो, प्रशासन कह रहा है आके बंद कमरे में बात करो। मैं बताना चाहता हूँ लगातार हम लोगों ने 6 वर्षों से बंद कमरे में बात करते हैं, बंद कमरे में हम लोग को बात करने के नाम पर बुला करके हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा आप जो बातें होंगी उन्हें मंच में बातें होंगी, हजारों की संख्या में बातें होंगी। हम लोग यहाँ से दबने और डरने वाले नहीं है, मुकदमे से नहीं डरने वाले हैं। हम सभी लोग निवेदन करते हैं कि सब लोग यहाँ पे आए धरने का समर्थन करें। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं नहीं करेगा, हम आपको जो है अनाज हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आपसे निवेदन करते हैं हमारे संघर्ष ऐसी ये यादव जी जो है विजय यादव जो है 19 मैच है हरे साथियों में विजय यादव कन्नौज की धरती से आ जाओ लेकिन हम लोगों ने 2019 का धरना किया। इस सरकार ने सिर्फ जुमला देने का काम किया लेकिन योगी जी ने शोषण पर शोषण झूठा शोषण हर रोज पेपर में आता है यार। ठीक है हम लोग किसी सांसद मंत्री के बेटे नहीं है, हम लोग एक किसान के पुत्र हैं। हम लोग को आपको धन्यवाद करता हूँ साथियों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जीते रहेंगे जब तक गांधी जी की पार्टी नहीं जारी होगी। यह सरकार झूठी और निकम्मी है, हम लोगों को सिर्फ सुविधा देने का काम किया, 17,000 का शोषण किया। इसके बाद हम क्या चाहते साथियों में विजय यादव कन्नौज की धरती से आ जाओ लेकिन हम लोगों ने 2019 का धरना किया। इस सरकार ने सिर्फ जुमला देने का काम किया लेकिन योगी जी ने शोषण पर शोषण झूठा शोषण हर रोज पेपर में आता है यार। ठीक है हम लोग किसी सांसद मंत्री के बेटे नहीं है, हम लोग एक किसान के पुत्र हैं। हम लोग को आपको धन्यवाद करता हूँ साथियों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जीते रहेंगे जब तक गांधी जी की पार्टी नहीं जारी होगी। यह सरकार झूठी और निकम्मी है, हम लोगों को सिर्फ सुविधा देने का काम किया, 17,000 का शोषण किया। इसके बाद